अभी आप लोगों को दिखाएंगे भाई कंप्यूटर में क्या क्या लगा है एंड कितने का पड़ा है कंप्यूटर क्या, बाकी सब लग गया इसमें, ग्राफिक कार्ड नहीं लगा है। अब ये चौथा पांचवा पीसी हो जाएगा, ठीक है गाइस, बिल दिखा देंगे एंड में, ठीक है कितने का पड़ा है क्या कुछ बना, एक एक चीज दिखा देंगे। तो गाइस अभी पेमेंट हो रही है इसकी पीसी की। तो गाइस आज हमने लिया एक कीबोर्ड, इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों को घर पे दिखाऊंगा। So, hey everybody guys, welcome back to the new vlog. So guys, आज हम जा रहे हैं भाई एक नया कंप्यूटर लेने के लिए अपना, और आज भाई हम जो कंप्यूटर बनाने वाले हैं ना वो बेस्ट कंप्यूटर होगा, क्योंकि उसमें भाई हम बहुत कुछ वर्क करवाने वाले हैं, बहुत कुछ उसमें ऐड होने वाला है जो कि भाई हमारे बहुत काम आएगा। तो हमारे पास में अभी ये चौथा पीसी होने वाला है, अपने पास में चार पीसी हो चुके, इतने सारे पीसी भाई, और वर्क भी भाई हम सारे के सारे मिलके करते हैं, तो भाई बंदों की कमी नहीं है, पीसी की कमी पड़ गई है बट बंदों की कमी नहीं है, ठीक है मजा आ रहा है, जिंदगी मस्त चल रही है, ठीक है। और आज 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 हम भाई के लिए इस भाई के लिए पीसी बनवाने जा रहे हैं, तो अपने कैश रख रखा है इधर पूरा बोनट भर के, तो कोई भी अगर मेरे को मारना चाहता है आज मार सकता है, ठीक है पैसा लेने के लिए, बट ये लोग तब तक आ जाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि तुम लोग लेट हो ना देखने में ताकि थोड़ा पहले देख लेते तो शायद से तुम ये ले सकते थे मेरे से। चलो छोड़ो मजाक मस्ती के भाड़ की भट्टी में। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हम तीन बंदे जा रहे हैं, क्योंकि हम तीन ही बंदे पीसी ले आएंगे, ठीक है। तो अभी हम अजीब से रस्तों पे जा रहे हैं, आप लोग रस्ते भी देख सकते हो, ठीक है, बट कोई ना, अभी आप लोगों से मिलते हैं भाई सीधा चंडीगढ़ में, क्योंकि हम ना बहुत लेट हो गया, क्योंकि पहले हमने बीमा करवाया गाड़ी का, हमारी गाड़ी का आज बीमा खत्म हो गया था, तो हमने सोचा कि बीमा ही करवा देते हैं पहले, उसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेने का ना, तुमको तो पता ही है गाड़ी रोड पे चलती है, और उसका बीमा ना हो अगर नुकसान हो गया तो भाई सारा जेब से भरना पड़ता है, इसलिए भाई अपन ने करवा लिया वो। तो चलो अभी मिलते हैं आप लोगों से सीधा चंडीगढ़। तो गाइस फाइनली वी आर गोइंग ऑन चंडीगढ़। तो गाइस यहाँ से चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 54 किलोमीटर है, और अभी हम पहुंच चुके हैं अम्बाला। अम्बाला हमसे 50 किलोमीटर था, तो टोटल हमारा डिस्टेंस कवर होने वाला है, तो जितना टाइम इधर आने में लगा उतना ही टाइम हमको आगे जाने में लगा। एंड ये अपना हरियाणा का गेट है भाई, ये बहुत ज्यादा आप लोगों ने रील्स में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा इस पे वीडियोस भी बनती है। तो भाई इधर से थोड़ी दूर तक हम शिमला भी जा सकते हैं, इधर से थोड़ा आगे की तरफ से कट है जो शिमला जाता है, ठीक है, तो अपन को शिमला तो जाना नहीं है, शिमला भी जाएंगे, शिमला के व्लॉग भी डाल लेंगे। एंड आप लोगों को मैं व्लॉग दिखाने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, मैं जाने वाला हूँ हरिद्वार और ऋषिकेश दोबारा से, तो उसका भी आप लोगों को व्लॉग दिखाऊंगा मैं थोड़ा टाइम बाद। तो फिलहाल तो अपन मिलते हैं आप लोगों को सीधा चंडीगढ़ में, ठीक है। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में, एंड भाई अभी अपने को बस कंप्यूटर शॉप पे जाना सबसे पहले, तो कंप्यूटर शॉप है अपने 22 सेक्टर में, तो वहीं पे जाएंगे पहले एंड उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। अभी अपन चंडीगढ़ में आ चुके, तो इधर ना ज्यादा मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इधर भाई सिक्योरिटी मतलब ट्रैफिक रूल्स बहुत ज्यादा सख्त है यहाँ के। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका चंडीगढ़ में, एंड जस्ट इसके बगल में ही अपनी शॉप है जहाँ से अपने को कंप्यूटर लेना है, एंड भाई उसके बाद मेरे को अपना कैमरा भी है जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो उसको शॉप में सेल करके आएंगे, तो वो ना 22 में आई थिंक, सो जिसकी वो है सेक्टर में आई थिंक, वो जो शॉप है जहाँ पे मैं कैमरा सेल करूंगा, तो वहाँ पे अपना कैमरा सेल करके आएंगे। और ये कैमरा ना वैसे था 60 के का लिया था मैंने, इसको बिना यूज किए इसको मैं 30 के में सेल कर रहा हूँ, 30 के का लॉस खा रहा हूँ इसमें फालतू का, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या सीन आता है, बाकी कंप्यूटर बिल्ड करवाते हैं एंड चलते हैं, जैसे पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर शॉप पे लेके चलता हूँ, उसके बाद ही देखते हैं क्या सीन आता आगे का। तो गाइस फाइनली चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं, एंड अभी हम नीचे उतर चुके हैं, जस्ट पीछे अपन ने पार्किंग कर दिया, बाकी गाड़ी का लॉक लगा दिया भाई, नहीं लगाया लगाओ देखते। तो अभी हम जा रहे हैं भाई शॉप में, एंड यहाँ से अभी चौथा पांचवा पीसी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अपन पहुंच तो चुके हैं यहाँ, और अमित भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम। शॉप में आने के बाद भैया ने हमको गाइड किया कि इस पीसी में क्या क्या सामान लगेगा और किस बजट के अंदर लगेगा वो। भाई ये भाई का शॉप है, वैसे तो मैं काफी टाइम बाद आ रहा हूँ आज। तो गाइस फाइनली अपन अभी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ दुकानें आसपास में है नहीं, और मैं स्विगी से ऑर्डर नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को चलाने नहीं आते स्विगी, जैसे चलाने का रोल नहीं है। बाकी अभी खाना खाएंगे ये अपना चोमू लड़का, ठीक है, और अभी इधर जाके खाएंगे कुछ, चलो कुछ खाते हैं भाई इधर से कुछ तो देखेंगे। घूम फिर के भाई हमको मिली है यहाँ पे चाय की वो डोली छप चाय वाला, अभी हम क्या मिली है मैगी खाने को, अब हमें मैगी खाएंगे फिर आगे जाएंगे। तो गाइस फाइनली गर्मा गर्म मैगी रेडी है, अंकल ने बनाई है, धन्यवाद अंकल जी। आगे भाई वैसे तो थोड़ी थोड़ी है पर खा लेंगे, काम चला लेंगे। एंड गाइस हमको ना बहुत रात हो गई है, हम सुबह से चले थे और हमको पता ही नहीं चला भाई इतना टाइम हो जाएगा, हमको लगा ही नहीं था कितना टाइम हो जाएगा, बट बहुत टाइम लग गया पता है। देखो भाई अभी हम मैगी खा के आ रहे हैं तीनों के तीनों, और 5-5 रुपए की हमने खाई है ना एक बर्फी, ठीक है। और अभी आप लोगों से बोलना चाहूंगा मैगी वैगी मत खाओ, ये तो हमारी मजबूरी है कि हम इधर फंसे हुए इसलिए खा रहे हैं, वैसे हम खाते नहीं। और मैं तो ब्रह्मचारी इंसान हूँ, इन सबको पता है मैं ब्रह्मचर्य रखा हुआ मैंने पिछले 2-3 मंथ से। तो गाइज आज हमने लिया एक कीबोर्ड, इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों को घर पे दिखाऊंगा, क्योंकि इसको दोबारा पैक करके ना फिर से कंटेंट बनाया जाएगा, ठीक है। तो हमने आज ये लिया है, एंड भाई अभी भाई का कंप्यूटर भी पूरा रेडी हो चुका है, वो भी देख लेंगे अभी। फिलहाल मैं अभी लैपटॉप में थोड़ी बहुत सेटिंग करवा रहा हूँ इसमें मैक में, तो अभी ये भाई जी हमारे कर रहे हैं, एंड इनका नाम है अमित जो कि यहीं के है, मतलब जहाँ पे शॉप है।
और ये हमारे भाई, ये बहुत टाइम बाद मिले आज हमको, दूसरी बार मिले आज ये। और अभी आप लोगों को दिखाएंगे भाई कंप्यूटर में क्या क्या लगा है एंड कितने का पड़ा है कंप्यूटर, क्या कुछ रहा है उसमें सारा कुछ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अपना ये कंप्यूटर बिल्ड हो रहा है, ये भाई कर रहे हैं, ये बेचारे वेट कर रहे हैं कब आएगा इनका कंप्यूटर इनके हाथ में, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई इसको लेके जाएंगे अभी। वैसे इसकी लुक बहुत कूल आ रही है, ये मिरर है क्या? सही है, अभी वॉइस अपडेट होगी फिर बिल्ड होगी भाई। तो गाइस अभी वो टाइम हो चुका है हमको यहाँ पे, तो देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा, रात हो गई है लगभग। तो भाई हमको बहुत ज्यादा लेट हो गया यहाँ पे, और ये भाई हमारे इंजीनियर साहब जो कि पता नहीं एसएसडी खराब कर दी थी इन्होंने, जिसकी वजह से मोए मोए हो गया हमारे साथ, ठीक है। और अभी भाई ये अभी इसमें ना ग्राफिक कार्ड नहीं लगा है, बाकी सब लग गया इसमें, ग्राफिक कार्ड नहीं लगा है, तो ये लग जाएगा उसके बाद फिर इसको लेके चलेंगे भाई। गाइस बिल दिखा देंगे एंड में, ठीक है, कितने का पड़ा है क्या कुछ, मैंने एक एक चीज दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस अभी पेमेंट हो रही है इसकी पीसी की, तो अभी थोड़ी देर बाद ये कंप्यूटर लेके जाएंगे इधर से, एंड आज बहुत टाइम लग गया अपने को इस चीज में, ऑलमोस्ट रात के 8-9 बजने वाले हैं, तो मेरे को घर जाते जाते मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 11-12 तो बज ही जाएंगे, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। बाकी और भी पीसी लेके जाने इधर से, अभी तो ये एक ही है अभी। तो गाइस फाइनली अपना सीपीयू रेडी हो चुका है भाई, अपने साथ में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कीबोर्ड लिया है, ठीक है, एक कीबोर्ड एक्स्ट्रा है। तो गाइस अभी सामान सुमारा रख दिया अपन ने, तो गाइस आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना सारा कंप्यूटर का इसके अंदर कितना सारा माल हमने डाल दिया है, और ये लैपटॉप के लिए हमने रखा हुआ है अलग से कीबोर्ड माउस वगैरह। ओके भाई मिलते हैं आपसे जब आपके कुछ सामान में अगर कमी आई तो मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय। भाई बहुत लेट हो चुके हैं, अभी चलते हैं इधर से, बाय द वे दिस वे आई वे यू वे टू वे, चलो भाई चले भाई, चलो 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 जल्दी। अभी रात हो चुकी है भाई, अभी हमको जाना है भाई घर पे, और घर हमसे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है, और रात के 9 बज गए हैं, और अभी हम थोड़ी देर तक चले जाएंगे घर पे। बाकी आज का जो कंप्यूटर है ना ऑलमोस्ट भाई मैं ज्यादा नहीं बोल रहा 160 के समथिंग पड़ा है, ठीक है। और इसमें हमने वो सब चीजें डलवा ली जिससे हम एक गेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीम वगैरह ऑल्सो जितने भी वर्क है हम वो सारा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना एडिटिंग वगैरह में भी काम आएगा जो कि भाई हमारे भाई करेंगे वो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपने पास में 4-5 पीसी हो चुका है, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं आपको गेमिंग टूर दूं तो एक बार रूम बन जाने तो भाई गेमिंग रूम टूर भी दे दूंगा, ठीक है। अभी रूम बना नहीं है, जो मतलब मेरा नॉर्मल रूम है ना उसी में मैं करता हूँ फिलहाल, तो एंड जिस दिन वो बन जाएगा भाई आप लोगों को गेमिंग रूम टूर भी दूंगा, ठीक है। और आज का व्लॉग भी भाई अजीब सा हो रखा है, मतलब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता भाई क्या क्या सीन मैंने बोला आज, क्या क्या किया है व्लॉग में, पता नहीं कैसा व्लॉग बना है। एंड सामने देखो भाई, एक तो हम लेट हो जाते हैं, और ऊपर से भाई ये मतलब चंडीगढ़ का ट्रैफिक सबके सब मतलब भाई एक ही साथ में होनी थी प्रॉब्लम्स। एंड इस भाई को जाना है अभी रात को नाइट वर्क पे, ठीक है, वर्क करता है भाई, तो इसकी वजह से मेरे को जल्दी जल्दी में गाड़ी घर की तरफ घुमानी पड़ेगी, तो जल्दी चलते हैं अभी घर की तरफ। एंड आप लोगों को अगर पीसी का फाइनल वो देखना है ना कैसा लुक आया है, तो वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, एक बार पीसी बिल्डअप हो जाने दो। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं इधर ढाबे पे, इस पे खाना खाएंगे अभी, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ सीन रहता है। मेरे दो चेले मतलब दो चेले तो आ चुके हैं इधर, अभी देखते हैं क्या सीन रहता है भाई। एक्चुअली बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा खाना बनाने। तो गाइस अभी हमने सिंपल सी चीज ऑर्डर करी है, दाल मखनी वगैरह पराठे वगैरह, ठीक है। अभी हमको इतनी ज्यादा भूख लगी है, प्याज भी खाने का जी कर रहा है, मूली खा लेते हैं फिर भी हम। तो अभी हालात है कुछ इस प्रकार, हमको घर पे जाना है, रात हो चुकी है बहुत ज्यादा, पहले मैं खा लेता हूँ फिर बात करता हूँ। गाड़ी के अंदर कंप्यूटर रखा है मेरे को, कंप्यूटर आप लोगों को दिखाना है, जल्दी दिखाऊंगा, रेडी रहो उस व्लॉग के लिए जिसमें मैं आप लोगों को कंप्यूटर सेटअप रूम टूर सब दिखाऊंगा। बट अभी मेरा सेटअप इतना अच्छा नहीं इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता नहीं, जनवरी में नए घर डलने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं फरवरी में, सॉरी फरवरी की 1 तारीख को स्टार्ट हो करवा देंगे फरवरी के मंथ में, उसके बाद भाई जय बाबा की गाइस, उसके बाद स्पेशल रूम बनवाऊंगा अपना गेमिंग रूम जो कि बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है, मतलब जबरदस्त आग लगा देंगे इस आग। तो गाइस हम खाना खा रहे हैं, गाइस रात इतनी ज्यादा हो चुकी है और इतना गंदा कोहरा हो रखा है ना, ये देखो मतलब स्कूल वकूल सब भाई, और मेरी भी मतलब फट के 4 हो गई है क्योंकि हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप लोगों को तो दिख रहा होता है ऐसे कैमरे में क्लियर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, बट मुझे कुछ ना दिख रहा भाई। और इधर भाई मेरी फट के 4 हो गई है, और अभी भाई घर पे जाना, घर वाले कॉल कर रहे हैं बार बार, कहाँ पे रह गया तू, कहाँ पे रह गया ये वो, और ये देखो आगे समझ में आ रहा कुछ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो बहुत कम है। अभी हम पीछे से आ रहे थे ना, पीछे तो बहुत गंदा कोहरा हो रखा था। तो गाइस अभी हम ना रात के 11:30 बज गए, और मैंने एस्टिमेट लगाया था कि हम पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट 10 बजे यहाँ।
तो गाइस फाइनली अपन घर पे पहुंच चुके हैं। ये मेरा पीसी सेटअप है जो कि मैंने अभी आप लोगों को पूरा दिखाया नहीं है, तो ये आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा जब आप लोग इस वीडियो पे कर दोगे पूरे के पूरे 20,000 लाइक। ठीक है, तो आप लोगों को पीसी सेटअप दिखा दूंगा। एक पीसी मेरा वो रखा हुआ है एंड मेरे पास और भी पीसी है, तो सब दिखा दूंगा आप लोगों को। और ये पीसी छोटे मोटे नहीं है कि भाई ऐसे काम चलाने के लिए पीसी है, सबके सब बेस्ट पीसी है अपनी तरफ में। ठीक है, तो आप लोगों को बस अभी नॉर्मल ये रूम का टूर करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, और अपन ने सब क्रिमिनल्स तो निकाल ही लिए हैं, अब इनका लास्ट डेट आई थिंक जाने का। और होप करता हूं आप लोगों को गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।